आज शुरू हो रहा है, वी ऑल वेरी एक्साइटेड, कल राउंड हुआ है और हमारा सर जितने आप तो जानते हैं सर, इतने पुराने मिक्स मार्शल आर्ट्स में इतने बेहतरीन रहे हैं, तो जब सर को हमने कहा कि सर आपको एक टीम खरीदनी ही पड़ेगी, तो सर ने अपना पूरा सपोर्ट दिखा के सुपर फाइट लीग के लिए। आई थिंक मेरा बचपन ही वहाँ से शुरू हुआ था, बिकॉज माई फादर बीइंग एन एक्शन डायरेक्टर, मैं उस घर में पला बड़ा हुआ, एंड दिस रियली एक्साइट्स मी। सो नाउ वी लुकिंग फॉरवर्ड, मुंबई इज आवर टीम एंड लेट्स सी हाउ वी गो, हाउ वी चेंजेस व्हिच वी वांटेड। अलग स्पोर्ट्स है, अलग चीजें हैं, बहुत मेहनत लगती है। भारत में बहुत सारे खेल देखते हैं बट एक नया खेल आता है तो उसको अपना नहीं पाते। नहीं बिल्कुल, वक्त लगता है अपनाने में, और हमने जब शुरू किया था तो हमको पता था कि ये पहले दूसरे साल में ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, इसको दो चार साल लगेंगे, एंड तब तक हम करते रहेंगे जब तक लोगों को पसंद आना शुरू होगा। इस तरह से ट्रेलर आप ही कह रहे हैं अच्छा मिला है तो संतुष्ट ही होगा। आप जिस तरह मतलब आपने जी बिल्कुल की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जिस तरह लाइक ऑफिसर का एक रोल प्ले किया जिसमें आप वर्दी नहीं पहने, तो आपने क्या क्या जो प्रॉब्लम रियल ऑफिसर जो फेस करते हैं आपने रियलाइज किया कुछ? हाँ समझ में आता है, रियलाइज तो करते हैं, लेकिन जो वो फेस करते हैं वो तो वही फेस करते हैं, हम उसे समझ सकते हैं और निभा सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये वक्त फिल्म का नहीं है, ये गेम का है, और हमारा मैच शुरू हो गया तो शायद हमें अंदर जाना चाहिए। आप लोग भी आइए और देखिए। कैसा लग रहा है? तो कितना एक्साइटेड है देखने के लिए? पहले सेकंड सीजन है SFL का, और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट एंड वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, और अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो द गेम टुडे, एंड यस एक्साइटेड क्योंकि आई एम पार्ट राइट नाउ ऑफ वन ऑफ द टीम्स, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड एंटरटेनिंग एक्साइटिंग इवनिंग। ओके, तो 5-5 मिनट के एक सेगमेंट होता है, सॉरी 5-5 मिनट के 3 सेगमेंट होते हैं जी राउंड, तो ऐसा कब हुआ है मैच में क्रूशियल एक टाइम आया कि आपका स्पोर्ट्समैनशिप बाहर आ गया, क्या ये होना चाहिए था ये हो गया? आपका सवाल समझा नहीं मैं। ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आपका स्पोर्ट्समैन बाहर आ गया है मैच देखकर? स्पोर्ट्समैन बाहर आ गया मैच देखकर, पहले मुझे आप समझाओ इसका मतलब क्या है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट नाउ आई एम इन्वॉल्व्ड विद वन ऑफ द टीम्स एज अ आई गॉट अ काइंड ऑफ विद द टीम ओनर्स अ काइंड ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट इन सम एस्पेक्ट व्हिच इज इन दिस सीजन, एंड वी टेक इट फर्दर फ्रॉम व्हाटएवर इट इज, दैट्स द गुजरात टीम। या थैंक यू स्पोर्ट्समैन। रोल थैंक यू सर।